वेलकम बैक टू अवर चैनल दीपक मेडिक फार्मेसी। फिर से हम लोग आ गए नई वीडियो लेके। तो आज हम लोग पढ़ेंगे क्या पूरे बेंजीन के बारे में। तो जैसा कि हम लोग जानते हैं कि हमारा जो बेंजीन होता है एक ऑर्गेनिक कंपाउंड है, एक एरोमेटिक कंपाउंड है। तो इसका इसमें रेजोनेंस भी होता है। तो इसका हम लोग आज पूरा ओवरव्यू देखेंगे। तो हमने पहले ही लिख दिया है टॉपिक, क्या हम लोग पढ़ेंगे, एनिटिक सिंथेसिस एंड अदर इविडियंस इन द डेरिवेशन ऑफ स्ट्रक्चर ऑफ बेंजीन। तो पहले हम लोग बेंजीन के ओवरव्यू लेते हैं, उसके बाद इसका इविडियंस देखेंगे, इसमें क्या सबूत है कि ये बेंजीन ही है। तो हम लोग पहले चलिए इसका हम पहले बेंजीन का डिफिनेशन लिखते हैं, उसके बारे में थोड़ा सा पता करते हैं, इंट्रोडक्शन बताते हैं। तो बेंजीन तो गाइस ये देखिए बेंजीन के बारे में है कि बेंजीन क्या है, एक एरोमेटिक कंपाउंड है जो कि 6 कार्बन एटम और 6 हाइड्रोजन एटम कंटेन करता है। तो इसका ये हमारा स्ट्रक्चर हो गया और ये हमारा मॉलिकुलर इसका फॉर्मूला रहता है C6H6। तो इसमें ये बता रहे हैं कि ये साइक्लिक कंपाउंड है कि नहीं। तो हमारा ये जो होता है ये साइक्लिक कंपाउंड भी होता है। तो यही हम लोग को इसमें एनालिटिकल सिंथेसिस में यही हम लोग को शो करना है कि ये बेंजीन जो है वो साइक्लिंग कंपाउंड है या नहीं है। तो गाइस तो ये आप अपना इसको लिख लीजिए। तो मैं इसका अभी इविडियंस में चलते हैं, तब तक के लिए एक पहले इसका स्ट्रक्चर बना देते हैं। जैसे C6 हो गया, तो इसमें तो गाइस जैसा कि हम लोग जानते हैं ये 6-6 का एक कंपाउंड बना दिया मैंने, कि ये देखिए 6 कार्बन और 6 हाइड्रोजन हो गया। तो इसमें हम लोग पहले ये जानते हैं, हम लोग सब जानते हैं कि अब एक कार्बन को कंप्लीट करने के लिए 4 हाइड्रोजन की जरूरत पड़ती है। तो हम लोग को इसमें कैसे ही कंपाउंड बनाए, तो जैसे कि हम लोग जानते हैं जैसे ये 1-2 है, तो यहाँ पे हम लोग अल्टरनेटिव अनसेचुरेशन और सेचुरेशन लगाना पड़ेगा। तो पहले यहाँ पे हो गया 1, यहाँ 2, यहाँ कितना हो गया 1 2 3, 3 हुआ ना गाइस। यहाँ पे फिर अल्टरनेटिव में यहाँ लगाना पड़ेगा और फिर यहाँ लगाना पड़ेगा। तो गाइस जैसे कि हम लोग जानते हैं कि ये यहाँ पे हम लोग को कितना लगाना है, 1 2 3 4 लगाना है, मगर यहाँ कितना है, 1 2 3 है। यहाँ पूरा कंप्लीट है, 1 2 3 4 यहाँ कंप्लीट हो गया। यह कितना है, 1 2 3 4, फिर ये वाला 1 2 3 4, ये वाला भी 1 2 2, पूरा कंप्लीट हो गया, मगर ये वाला और ये वाला नहीं हो रहा है। तो इसमें ये हम लोग क्या करेंगे, यहाँ से इसको इसको ऐड करेंगे, तब जाके ये साइक्लिंग कंपाउंड होगा। तो इसी को हम लोग प्रूव करना है। तो गाइस ये आप लिख लीजिए, तो मैं इसके बाद अभी इसके लेक्चर में बताता हूँ, ठीक है, इसके इविडियंस के बारे में। तो गाइस मैं इसे रफ करता हूँ, फिर देख आगे बढ़ाते हैं। तो गाइस जैसे कि हम लोग अब एनालिटिकल इसका व्यू देखेंगे, एनालिटिकल इविडियंस देखेंगे कि इसका क्या होता है। तो पहला हम लोग इसको कंप्लीट करते हैं एनालिटिकल व्यू। तो पहले मैं लिख लेता हूं, उसके बाद मैं आपको समझाता हूं।
तो गाइस जैसा कि इसमें हमने बता दिया गया है पहले से कि जो ये मॉलिकुलर फॉर्मूला होता है वो क्या बेंजीन का 6H6 होता है। तो ये क्या इंडिकेट करता है अनसैचुरेटेड, अनसैचुरेटेड मतलब जानते हैं कि डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड। तो ये देखिए ये हो गया हमारा डबल बॉन्ड, ये हमारा हो गया ट्रिपल बॉन्ड। तो यही इसमें ये दिखा रहा है कि हम लोग अगर एन एक्जन अगर कंपेयर करेंगे तो इसमें डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड आएगा। तो जैसा कि अपन पहले भी हम लोग जानते हैं कि जो कार्बन होता है वो 4 हाइड्रोजन करता है, 4 हाइड्रोजन करता है, ना ये 5 होना चाहिए ना ये 3 होना चाहिए, हमेशा 4 ही होना चाहिए। तो उसी से एन एक्जन से कंपेयर करना है। तो जैसे कि इसका हम लोग पहले इसका स्ट्रक्चर बनाते हैं। गाइस इसमें हम लोग देखिए कि इसका हम लोग बना दिए हैं इसका स्ट्रक्चर। तो इसमें देखिए कितना कार्बन है, 6 कार्बन, 1 2 3 4 5 6 ठीक है, और कितने हाइड्रोजन है 14, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14। तो इसमें ये एन हाइड्रोजन का इसे कंपेयर कर रहे हैं। तो मगर इसमें हमको क्या करना है, साइक्लिंग कंपाउंड बनाना है, ऐसा कंपाउंड बनाना है, तभी तो हम लोग को ये प्रूफ होगा कि हाँ ये हमारा जो बेंजीन है वो हमारा क्या है, साइक्लिंग कंपाउंड है। तो यही हम लोग को बताना है। तो हम लोग अब इसे कंपेयर करेंगे, तो उसी तरह फिर से करना पड़ेगा गाइस। तो ये वाला मैं पहले से मिटा देता हूँ। एक दो तीन चार पाँच छः ठीक है। अब हम लोग को कितना कार्बन दिखाना है, 6 हाइड्रोजन दिखाना है। ये यहाँ पे हम लोग इसको कर देंगे, अब हमें इसमें से इसका कंपाउंड बनाना है। तो हम लोग को पहले भी जानते हैं कि कितने होते हैं, 4 होते हैं हाइड्रोजन, यहाँ तो 2 ही है, तो हमको अल्टरनेटिव डबल बॉन्ड लगाना पड़ेगा। एक यहाँ लग गया, 2 ये हो जाएगा, ये 3 यहाँ लग गया। और यहाँ पे पहले हमने इसे पहले वाले में बेंजीन में हमने बताया था कि ये यहाँ से इसमें ऐड हो जाता है ठीक। तो जब ये और ये कंपाउंड जब इधर से हो जाएगा तो क्या फॉर्मेशन करेगा, ये साइक्लिंग का फॉर्मेशन करेगा। तो इससे ये इसका फॉर्मेशन करेगा, तो इससे ये प्रूफ हो गया कि हमारा जो एनालिटिकल जो ये हमारा एविडेंस है वो हमारा साइक्लिक बेंजीन है, ये हमारा बता दिया ठीक है गाइस। तो ये हो गया हमारा एनालिटिकल एविडेंस। अब हम लोग जानते हैं सिंथेटिक में जानते हैं, तो इसको पहले मैं रख करता हूँ ठीक है। तो गाइस अब हम लोग एविडेंस कौन सा, सिंथेटिक एविडेंस करेंगे। तो पहले मैं फिर से इसको लिख लेता हूँ, उसके बाद आपको समझाता हूँ। तो गाइस इसमें हम लोग देखा कि सिंथेटिक जो होता है इसमें एविडेंस इसमें क्या बता रहा है कि हमारा जो सिंथेटिक जो होता है बेंजीन क्या होता है, हमारा अनसैचुरेशन होता है, इसमें डबल और ट्रिपल बॉन्ड होता है। तो जैसे कि हम लोग जानते हैं कि ये हमारा जो कंपाउंड बनता है वो स्ट्रेट लाइन में ही बनता है, मगर ये जब हम लोग अल्किन और अल्केन्स को देखें, अल्किन अल्किन को जानते हैं क्या बोलते हैं, अल्किन हो गया ये हमारा डबल बॉन्ड होता है ठीक है, और यहाँ तो स्पेलिंग मिस्टेक हो गया था,
तो ये हमारा ट्रिपल बॉन्ड होता है। तो इससे हम लोग क्या देखें कि हमारा जो ये तो ये जो हम लोगों का ये जो बन रहा था, इससे हम लोग फिर हम लोग इसे रिएक्शन दिखाए। तो रिएक्शन जब हम लोग ने किया किसे, बी आर से और सी एल इससे सी सी एल फोर से, फिर डाइल्यूट एसिड KMnO4 से, और इसे किया, तो क्या पता चला गाइस कि इसमें तो रिएक्शन हो ही नहीं रहा है। तो हमारा जब इसमें पता चला कि इसमें रिएक्शन होगा ही नहीं, तो ये हमारा जब इसमें रिएक्शन हुआ नहीं, तो इससे ये क्या पता चल गया कि हमारा जो कंपाउंड बनेगा वो हमेशा साइक्लिक कंपाउंड बनेगा, कभी भी स्टेट में। सो इट कैन बी फॉर्म्ड एज, सॉरी यहाँ पे नॉट होगा। तो हम लोग जानते हैं कि हमारा जो स्टेट लाइन जो स्टेट चेन कंपाउंड बनेगा वो कभी बनेगा ही नहीं, हमेशा कैसा बनेगा, साइक्लिंग कंपाउंड बनेगा। तो इसी में यही हम लोग ने ये सिंथेटिक एविडेंस में ये हम लोग ने देखा कि हमारा जो जो ये कंपाउंड ये बनेगा ये कभी नो स्ट्रेट लाइन में बनेगा, कभी नहीं बनता था, हमेशा 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 क्या बनेगा, साइक्लिंग कंपाउंड से। ठीक है, तो हमसे ये हम लोग को ये पता चल गया कि हमारा ये जो है हमारा इससे भी ये पता चल गया कि हमारा हमेशा सेकंड कंपाउंड होता है। ठीक है भाई, अब हम लोग चलते हैं अपने तीसरे में, अदर एविडेंस पढ़ते हैं भाई। गाइस हम लोग ये अदर एविडेंस में देख रहे हैं कि हमारा ये जो है साइक्लिक स्ट्रक्चर के बारे में हमको इसे बताना है। तो जब हम लोग क्या करते हैं, जब एडिशन ऑफ हाइड्रोजन करते हैं, तो जब हम लोग एडिशन ऑफ हाइड्रोजन कर रहे हैं तो हम लोग ये इसमें रिएक्शन हम लोग तीन है में डाले हैं, तो C6H6 और 3H2 डालते हैं, किसके पजन में, निकल के पजन में 150 डिग्री प्रेशर में, तो हमारा ये क्या बन जाता है, फिर से हमारा साइक्लोहेक्सेन। तो इससे ये भी पता चल रहा है कि हमारे यहाँ पे देखिए साइक्लिक स्ट्रक्चर बन रहा है, तो ये इस एविडेंस से भी पता चल जाता है कि बेंजीन क्या है, कि हमारा साइक्लिक स्ट्रक्चर है। तो ये पूरा हम लोगों ने देखा कि सब जगह क्या बता रहा है हमारा, ये कंपाउंड ये क्या है, हमारा बेंजीन जो है ये साइक्लिक स्ट्रक्चर है, कोई स्ट्रेट लाइन नहीं है, साइक्लिक स्ट्रक्चर है। तो गाइस ये आपको हमने ये इसका पूरा ओवरव्यू देख लिया है, तो ये आपको ये इसमें कोई भी दिक्कत हो तो आप कमेंट में बताइएगा, और मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए वीडियो को जितना हो उतना शेयर करिए और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा गाइस। तो इसी तरह के और भी हमें ऐसे ही रिलेटेड इसके बाद जितने भी और भी टॉपिक आते हैं इस चैनल में मैं डालता रहता हूँ। तो गाइस सब्सक्राइब करिए दीपक मेडी फार्मेसी को, मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए टाटा, टेक केयर, और अपना ख्याल रखें, अपने परिवार का ख्याल रखें। तो तब तक के लिए मिलते हैं अगली वीडियो में। बाय बाय, टाटा।